आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और अपने सुझाव और सजेशंस लिखे। आज हम फिर उपस्थित हैं सर के साथ D27 पर कुछ बातें लेकर। सर प्रणाम। नमस्कार सर। D27 D6 बहुत लोग D6 भी देखते हैं, D27 भी देखते हैं, तो सर इन दोनों में अंतर सबसे पहले क्या? ऐसा है जी सर, पराशर जी ने D6 में ही लिखा है। जी सर, पहला पॉइंट तो ये है। जी, पराशर जी ने D27 लिखा है। हाँ, और D27 को का बताते हुए किस लिए देखते हैं चार्ट, उन्होंने लिखा है भावे भाषे चैवे बला बलम, मतलब D27 चार्ट से जिसको भाषे भी बोलते हैं उससे शरीर बला बलम देखा जाता है। ठीक है, बला बलम का मतलब है स्ट्रेंथ और वीकनेस। बल आदि देखा जाता है, इस तरह से इसको मीनिंग करेंगे। तो जब हम बल देखते हैं तो वीकनेस भी देखनी पड़ेगी उसके साथ। जब हम सुख देखते हैं चौथे भाव से अपने तो दुख भी देखते हैं। इसी एक उससे हमने ये कहा कि भाई D27 से हम बल देख सकते हैं या दुर्बलता देख सकते हैं। अब यहां आगे चलो, किसकी? खुद की। किसका बल? अब हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं ग्रहों को। तो क्या पराशर जी ये कह रहे हैं कि D27 से आप ग्रहों का बल या दुर्बलता देख सकते हैं? या पराशर जी ये कह रहे हैं कि जो अलग 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 राशियां हैं उनका भी तो बल देख सकता हूं मैं? हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपका बल देखेंगे। वो हम कहां से कंक्लूड करते हैं कि भाई ये जो D27 बन रहा है ये मेरी कुंडली का बन रहा है। एग्जैक्टली। तो मेरे लिए मेरी कुंडली में कौन सा ग्रह बली है, कौन सा ग्रह दुर्बल है? अब ये दुर्बलता या बल शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, हर ग्रहों के अपने कारकत्व के अनुसार हो सकता है। तो इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है जो आपको D6 में नहीं मिलेगी। शायद इसीलिए D27 पराशर जी ने प्रेफर किया। ठीक है, तो इसको हम बल देखने के लिए प्रयोग में लाते हैं। उसी से हम क्रॉलरी निकाल लेते हैं कि भाई जो राशि निर्बल है या ग्रह निर्बल हो रहा है तो वो हमारे शरीर में की पुष्टि नहीं कर सकता, अर्थात वो रोग दे देगा। उस राशि की जगह पर रोग दे देगा। बली कब होगा? जो बलवान ग्रह है। शरीर क्या है? लगन है। वहां से हमारा हमेशा टॉपिक स्टार्ट होता है। तो इसलिए इसका जो रूप है और एप्लीकेशन है वो बहुत बड़ी है जी। तो ये तो हुई बेसिक डेफिनेशन इसकी। जी सर, आज मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई इससे हम बहुत अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से हम बॉडी के पार्ट को, कहां पर हमें तकलीफ है, कौन सा पार्ट हमारा वीक है। अब देखिए पार्ट तो बहुत सारे हैं, एक एक जगह ही, मतलब शरीर में कितने अंग हैं, कितनी चीजें हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं,
अब अगर हम कहें भाई सूर्य बोन को दिखाता है, अब भैया मैं कौन सी बोन देखूं? वो तो सिर से लेके पैर तक बोन बोन ही बोन है। हाँ जी, अब उसको देखना ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है। कौन सी राशि कौन सा ग्रह, क्योंकि हमारे ज्योतिष में भाव और राशियां वो दी गई है। जी सर। अब जैसे तीसरा भाव बोला गया स्पीच का, उसके साथ साथ हम मिथुन लेते हैं, वो भी स्पीच है। जी सर। कम्युनिकेशन जी। ठीक है। और स्पीच का कौन सा और प्लेनेट है जो बोलता है? मर्करी लेते हैं, बुध लेते हैं, लेते हैं। हाँ। सुनने का जुपिटर, गुरु जुपिटर लेते हैं बृहस्पति को। तो इनका कुछ छोटा सा समाधान, उनको कैसे हम एक दूसरे से जोड़े, तो हमारे लेक्चर में ये प्रयास होगा। जी सर। ठीक है जी। तो ये इसकी रूपरेखा है D27 की। जी सर। काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है। हाँ सर, क्योंकि लोग डिजीज या रोग के बारे में हमसे जनरली पूछते हैं कि आगे हमारा हमारी लाइफ कैसी रहेगी, कहीं हमको कोई रोग ग्रस्त तो नहीं करेगा, तो ये सारी चीज। नहीं, इसमें एक और पॉइंट है। जी सर। अगर हमको पहले से पता है कि हाँ। मेरा ये पार्ट खराब है या वीक है, तो मैं कोशिश करूं उसको और वीक ना करूं। हाँ। यही उपाय है ना, हाँ, लोग और उपाय पूछते रहते हैं। हाँ, अब वो हीरा पहनने से थोड़ी उपाय ठीक हो जाए, ठीक है ना, उसको करना पड़ेगा फिजिकली। जी। इसका मैं ज्यादातर एक अपने मित्र का उदाहरण देता हूं। जी सर। जब मैंने नया नया रिसर्च की थी और ये किताब लिखी थी, तो मेरे एक बहुत अच्छे पुराने 35-40 साल के मित्र हैं, ये मैं अपने हर वेबिनार में बोल चुका हूं, क्योंकि वहां से इंस्पिरेशन मिली थी मुझे। जी, ओके। वो इतना, उसकी आंखें इतनी खराब हो गई थी, अच्छा बड़ा बिजनेसमैन है, जी, आंखें उसकी जो पलकें थी वो ड्रूप कर जाती थी, गिरी रहती थी, आंख खोल नहीं पाता था। ड्रूप सी, हाँ, वो ठीक है, हाँ। खोल नहीं पाता था। और वो दिल्ली से बॉम्बे जाता था हर महीने डेढ़ के बाद, और 40 प्रिक्स होते थे उस इंजेक्शन में, आंखों में, आंख की पुतलियों में, कितना कष्ट होता था। और फिर वो महीने भर आंख ठीक रहती थी, फिर खराब हो जाती थी। तो एक दो दफे मिलना हुआ, मैंने कहा यार रवि इसका इलाज क्यों नहीं करा रहा यार, ठीक से कुछ। कहता भाई क्या करूं, बॉम्बे जाता हूं, हफ्ते रुकता हूं, इंजेक्शन लगवाता हूं, इतना खर्चा होता है, फिर वही हो जाता है। मैंने कहा कुंडली दिखा दी यार। तो कुंडली देखी और उसका मेरे को वृश्चिक बुरी तरह से पीड़ित दिखा, और भी चीज दिखी थी, वृश्चिक पीड़ित दिखा। मैंने कहा रवि भाई साहब आपकी जो है ना अंतड़ियों में प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं होता तुम्हारा, वहां रुका हुआ है। हंसने लगा, कहता कोई ऐसी मुसीबत तो है नहीं ज्यादा, मैं फिर भी ट्राई करता। उसने भाई साहब वैद्य जी से किसी से पूछ के, और वो ये त्रिफला और इसबगोल और ये सब वो करना शुरू करा पेट के उसका भाई साहब। उसके बाद उसको 3-4 महीने बाद इंजेक्शन लगना शुरू हो गया, अगला इंजेक्शन लगा ही नहीं फिर 3 महीने बाद उसकी पेट साफ हो गया, वहां से देखो आंखें खराब हो गई। अब ये जो ज्योतिष जानते हैं वो भी कई दफे ये कह सकते हैं कि जी तकलीफ तो आंख में थी,
और आप उसकी अंतड़ियां बोल रहे हो, इंटेस्टाइन बोल रहे हो, डाइजेशन, ये डेफिकेशन बोल रहे हो, तो भाई मुझे नहीं पता, मैंने तो वो देखा कौन सा पार्ट तुम्हारा वीक है, कहां पर तुम्हें प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें आंख में प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी। कह ज्योतिष फेल है तो सर आपका ये, हाँ तो आपका ये बोलने का मतलब है कि जहां हम देखते हैं कि हमारा कोई बॉडी का कहीं कोई प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो वहां से सृजन हो रहा है, उस प्रॉब्लम वहां से हो रहा है, जो दिख रहा है वो हो सकता है ना हो। ओके है? जी, एक कर्नल शर्मा थे हमारे साथ ही, एस्ट्रोलॉजी पढ़ी थी उन्होंने, उनके सन इन लॉ को पैरों से चल नहीं पाते थे, उठ नहीं पाते थे जी, बहुत हम लोग माथा पच्ची करते थे, कोई परेशानी है घर में उनको, तो कहां मिला उनकी प्रॉब्लम मिली विर्गो में, पैर नहीं, पैर पैर तो एक्वेरियस या पाइसिस हो गए, कैप्रिकॉर्न होगा ये सब, जांग जहां पैर और जांग, हाँ विर्गो में। मैंने कहा वहां डॉक्टर साहब से पूछो भैया ये विर्गो जो पेट का एरिया है, ये स्टोमिक का, वहां क्या है, वहां है प्रॉब्लम, तो वहां से क्या डॉक्टर ने निकाला, कहता है ये जो आप एरिया बता रहे हो, भाई मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, ये एरिया बता रहे हो ये हमारा लोकोमोटर सिस्टम का एक सेंटर है। लोकोमोटर सिस्टम का सेंटर होता है यहां पर, हम उसको चेक करते हैं, चेक करा और वो अपने आप बाथरूम जाना शुरू कर दिया, इलाज तो डॉक्टर ने किया, पर इस D27 ने हमें वहां पहुंचा दिया। तो मतलब D27 में वो देखने की क्षमता है कि जो रोग आपको दिख रहा है वो हो सकता है कि आप अपने चार्ट पे ढूंढे और शायद D1 या D6 से आप बोल दे कि ये ऐसा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन D27 से आप मूल जड़ तक पहुंच रहे हैं, जिसके कारण जड़ बता रहे हैं हाँ। आपके किसी के एक जड़ होती है, किसी के दो होती है, किसी के तीन जगह भी होती है, ऐसा भी देखा है। अब मैं D6 पे आता हूं जी सर, D6 भी हम अपने टॉक में कवर करेंगे जी, वो एक कारण से कवर करेंगे जी। D6 हमें सिर्फ ये बताता है कि ये जो बीमारी आ रही है, प्लेनेट हमने यहां से पकड़ लिया, पार्ट हमने 27 से पकड़ लिया, और D6 हमको वो बताएगा कि ये जो रोग का कारण है ये शरीर के अंदर है या बाहर से। ओके, बहुत सी दफा ये होता है आपके चल नहीं पा रहे या हाथ में प्रॉब्लम हो गई है, इंटरनल कॉज है तो इंटरनल देखेंगे, D6 हमें बताएगा एक्सटर्नल कॉज है तो हमें वो देखना पड़ेगा कि भाई कभी एक्सीडेंट हुआ था तेरा यहाँ पर। ओके, और वो ज्यादातर वो ही मिलता है, एक्सटर्नल कॉज है भाई, किसी चीज से चोट लगी थी, कहीं कुछ हादसा हुआ था। तो यही मैं कह रहा हूं कि वो भी हमें पता इससे चल जाएगा D6 से कि वो बाहर का इन्फ्लुएंस है या रोग अंदर से ही जनरेट हुआ, ये D6 बताएगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ कि D3 से फिर हम क्या देखते हैं, D27 से जो आपने जो दो तीन बातें बताई इससे बहुत अद्भुत एक चीज समझ में आई कि जो प्रत्यक्ष है वो कोई जरूरी नहीं है कि वही कारण है, तो फिर D3 से हमें क्या समझ आता है। D3 में जो शरीर विज्ञान के बारे में आता है वो सारी किताबों में एक D3 के 30 बॉडी पार्ट दिए, पहला दृष्टांत, दूसरा दृष्टांत, तीसरा दृष्टांत, ठीक है, वो ठीक नहीं बैठता है, ठीक जी। D27 में भी
यवन पुराण या वामन पुराण कौन सा है या विष्णु पुराण, मेरे अभी एकदम से याद नहीं आ रहा, उसमें शरीर के पार्ट लिखे गए अलग अलग राशियों के, उसमें भी थोड़ा फेर है। जो एक्सपीरियंस से आया है कि शरीर के सिर को एरीज पे रख लो और पैर पाइसिस, अब डिवाइड करते चले जाओ ऊपर से नीचे, तो ये D3 का और उसका सबका निचोड़ ये है जो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है जी सर। असली क्लासिफिकेशन ये है। एक और बताता हूं, बहुत से लोग इसको D27 मानते हैं कि भाई 27 नक्षत्र है, तो इसको नक्षत्र अंशा भी बोलते हैं जी, ठीक है। तो क्या ये एक एक नक्षत्र का एक एक बॉडी पार्ट है, उसका बला बल देखेंगे? ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा लगता है कि हाँ शायद ऐसा हो, पर मेरा नक्षत्र का ज्ञान नहीं है इसलिए मैं इसको नक्षत्र तक बढ़ा नहीं पाया हूं। मैंने कोशिश जरूर की थी, बेसिक अप्रोच सर उसमें आपने दिया भी है, रेमेडीज भी दिए नक्षत्र की, नक्षत्र वगैरह की दी है, पार्ट भी दिए हैं जी जी, परंतु मैं उसको पूरा नहीं कर पाया ये बोल रहा हूं जी सर। इसमें बहुत अभी स्कोप है कि शायद अगर इसको कहीं हम नक्षत्र से जोड़ दें D27 को, तो हो सकता है हमारा फलादेश और अच्छा हो जाए। थैंक यू सर। तो जो स्टूडेंट आएंगे उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई करो इसको जी सर एकदम, है ना। तो जो आप लोग यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं, D27 सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट से डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप करके भी ये तो पूछ सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। D27 जैसे हमने देखा एक अद्भुत रूप से बताता है कि किस तरह से आप अपनी बीमारी की जड़ तक पहुंच सकते हैं, और सरलता से बताता है। सर आप तो सरल ज्योतिष में ही विश्वास करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर फ्रेश अपडेट्स। Don't forget to like, share and comment on the videos and please subscribe to our channel.